औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी व्यूवर्स, आज हम आपके लिए 3.5 मरले का एक बहुत ही प्यारा मॉडर्न डिज़ाइन का घर लेके आए हैं, जिसकी लोकेशन सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड की बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत सोसाइटी है, LDA से अप्रूव्ड है। ये घर 3.5 मरले का है, 17x45 प्लॉट डायमेंशन के साथ है। अगर मैं रोड की विजिबिलिटी की बात करूँ, 30 फिट वाइड रोड है और यहाँ से राइट साइड से भी आप देख सकते हैं कारपेट नीट एंड क्लीन रोड है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए, 500 के नाल का पार्क, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सिनेमा और इसके अलावा आपको फूड स्ट्रीट, बड़े बड़े रोड्स और बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। आइए चलते हैं इस घर का अंदर से टूर करते हैं, मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो व्यूअर्स, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। आप दोबारा से इसका एलिवेशन देखें, बड़ा प्यारा एलिवेशन है। फ्रंट साइड पे टोटल ईस्ट साइड पे टाइल वर्क है, फ्रंट पे भी टाइल वर्क है, स्टार्टिंग पे लॉन एरिया है। घर का गेट बहुत खूबसूरत बनाया गया है, आप देख सकते हैं मोल्डिंग वर्क इसके फ्रंट साइड पे किया गया है। और इसी तरह से जैसे ही आपको हम अंदर लेके आते हैं, यहाँ पे आप इसका इंटीरियर वर्क देखें। सामने मेन लाउंज के डोर डबल, एक पॉड रूम की ऑप्शन है और एक आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम का डोर मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं अंदर सीनरी, सीलिंग वर्क बेहतरीन है। और इसी तरह से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जैसे व्यूअर्स हम आपको अंदर लेके आते हैं तो ये आप देख सकते हैं लाउंज एरिया बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, इसका सीलिंग वर्क बड़ा प्यारा किया गया है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ड्राइंग रूम मिल जाता है, इसका ड्राइंग रूम भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है, निशेज़ दी गई हैं, सीलिंग डिज़ाइन इसका बेहतरीन है। विंडो वेंटिलेशन के लिए सेपरेट आपको ड्राइंग रूम का डोर और 2x2 की करारा वाइट टाइल्स, ये मोटिव आप देख सकते हैं, खूबसूरत मोटिव्स लगाए गए हैं। बेडरूम में आपको लेके चलते हैं, पूरे घर की दीवारें 9 इंच में रखी गई हैं। बेडरूम आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका बेडरूम है और 2x2 की टाइल वर्क। इस साइड पर आपको जो है वो मिल जाता है वार्डरोब्स, स्लाइडिंग में वार्डरोब्स है इसकी, ये आप देख सकते हैं। और वॉलपेपर बड़े अच्छे लगाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, ये वॉशरूम है जिसमें वैनिटी की ऑप्शन है। और इस तरफ अगर हम देखें तो मोटिव्स वगैरह लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। कमोड की ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन काम किया गया। डोर्स आप देखें, खूबसूरत डोर्स लगाए गए हैं। इसी तरह से आगे की जानिब चलते हैं, किचन में इस साइड पे फ्रिज का पॉइंट दे दिया गया है। किचन की आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, बड़े साइज़ की कैबिनेट्स हैं और ख़ूबसूरत कैबिनेट्स दी गई हैं। हुड चूल्हे यहाँ पे लगने वाले हैं, बाकी वो आपको हम लगा के देंगे। इसका सीलिंग डिज़ाइन भी बेहतरीन है और बैक साइड पर आपको मिल जाता है वेंटिलेशन एरिया, ये पीछे वेंटिलेशन एरिया है। और इसी तरह से व्यूअर्स हम आगे की जानिब चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं आपको। स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल मार्बल है, साइड पे स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है। ऊपर आते ही ऊपर का हमें लाउंज एरिया मिलता है, बहुत अच्छा लाउंज एरिया, सीलिंग डिज़ाइन इसका बड़ा बेहतरीन है। किचन दिखाते हैं, सेपरेट डोर लगाया गया किचन को और ख़ूबसूरत किचन आपको ऊपर भी मिल जाता है। इसी तरह से आपको टेरेस वाला बेडरूम दिखाते हैं, ये टेरेस वाला बेडरूम है और आप देख सकते हैं निशिस, सीलिंग डिज़ाइन बेहतरीन है, रोप लाइट इंस्टॉल्ड है, 3 सेक्शन में वार्डरोब्स हैं। और यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है जिसमें वैनिटी की ऑप्शन है, टाइल वर्क कंप्लीट है, कमोड की ऑप्शन है और इस साइड पे टेरेस की ऑप्शन मिल जाती है। आपको थर्ड बेडरूम की जानिब लेके चलते हैं, ये व्यूअर्स थर्ड बेडरूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको निशेस मिल रही हैं, सीलिंग डिज़ाइन बेहतरीन मिल रहा है, रोप लाइट इंस्टॉल्ड है, 3 सेक्शन में वार्डरोब्स हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपको वॉशरूम मिलता है जिसमें बड़ी ज़बरदस्त वैनिटी, टाइल वर्क, बहुत अच्छा काम किया गया है। और पूरे घर के अंदर केबल की वायरिंग, UPS की, हर तरह की वायरिंग्स कम्प्लीट हैं। स्टेयर्स पर ट्रॉपिकल मार्बल और साइड पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। ऊपर आते ही हमें इसके अंदर जो है ये स्टोर रूम मिलता है, यहाँ पे आपकी मेड्स वगैरह रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम भी दिया गया है।
सीट की ऑप्शन है, वॉशरूम दिया गया है यहाँ पे। छत का भी आपको व्यू करवा देते हैं, ये व्यूवर छत है इसकी और ये ममटी। तो इस घर की डिमांड जो है 1,25,00,000 ऑनर कर रहे हैं, 1,25,00,000 इस घर की डिमांड है। टोकन पे कमी बेशी हो सकती है। अगर आप इस घर को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।